हम लोग शाहजहांपुर में हैं और शाहजहांपुर को शहीदों की नगरी कहा जाता है और अशफाक उल्ला खां साहब यहीं से थे। काकोरी ट्रेन डकैती में उनका नाम आया था और उसके लगभग एक बरस बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी दिल्ली से। तो ये उनकी मज़ार है। हम लोगों ने बचपन से वो पंक्ति सुनी होगी, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तो जब हम शाहजहांपुर आए, हमें लगा कि किसानों से, नौजवानों से, अलग अलग लोगों से बात करेंगे, लेकिन सफ़र की शुरुआत और शाहजहांपुर के पड़ाव की शुरुआत शहीद की मज़ार से होनी चाहिए, इसलिए हम लोग इस जगह पे आए हैं। जगह दिखाइए ज़रा, फव्वारा वगैरह ये काम नहीं करता है क्या? मैं डॉक्टर तनवीर हुसैन, गांधी फैज़ियाम कॉलेज डिपार्टमेंट में अध्यक्ष हूँ। हिस्ट्री पढ़ाते हैं? हिस्ट्री पढ़ाता हूँ। आपका क्या नाम है? मैं आफाकुल्ला खां, शहीद अशफाकुल्ला खां का पौत्र हूँ। अच्छा जी जी। अच्छा, तो अशफाकुल्ला खां साहब की तो शादी नहीं हुई थी? जी जी, उनकी शादी नहीं हुई थी जी। उनके बड़े भाई थे रियासतुल्ला खां, वो आपके दादा थे? दादा, हमारे दादा थे, जो सारा केस उन्हीं ने लड़ा था उनका जी। और उसके बाद मेरे बड़े भाई एक हैं, नाम उनका नाम उन्हीं के नाम पे अशफाकुल्ला खां है। तो मज़ार ये है कि वो नहीं, वो मज़ार वो है ये जल्दी हमारे बहन की जब हो गई थी वो दफन, ये हमारे घर का मज़ार, ये पूरा हमारा खानदानी मज़ार है जो हमारे यहाँ खानदान की कब्रिस्तान है। कहीं ऐसे होता था ना, जैसे जैसे रॉयल फैमिली या बड़ी एलीट क्लास जो फैमिली होती थी उनके अपने कब्रिस्तान अलग होते थे। उसी मजार जैसे ऐसे जो पीर की मजार पे जाते हैं तो वहाँ तो फूल और चादरें सब चढ़ी होती है, ऐसे ये जो मजार है इस पे फूल वाला वगैरह चढ़ाई हाँ, जाती है बराबर। अभी 22 अक्टूबर हाँ, को 22 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था और 19 दिसंबर को उनको फांसी दी जी जी, जी फैजाबाद जी जी। और जितने भी मजारात होते हैं उसमें खास दिन होता है जिस दिन बरसी मनाई जाती है, तो 19 दिसंबर का दिन है जब फैजाबाद जेल में फांसी हुई थी अशफाकुल्ला साहब को। तो अमूमन लोग उसी दिन आते, ये होता है ना कि जैसे कि आत्मा और परमात्मा का मिलन है, तो उसी दिन होता है कि कोई शहीद हुआ है तो वो जाके रूह उसकी मिल जाएगी, ईश्वर में जाके विलीन हो जाएगी, तो वो दिन है 19 दिसंबर का। तो अमूमन लोग उसी दिन हाजिरी देते हैं, बाकी जैसे हम लोग जैसे कभी भी आ सकते हैं, बाकी लोग आते रहते हैं जब चाहें, कोई आया विजिटर आया वो अपना देख रहे हैं। अच्छा, आइए फिर बाहर भी देख रहे हैं। ये हमारे एक जेरी जी दोस्त हैं, हिमांशु वाजपेयी, दास्तानगो है और काकोरी पे तो उनकी बड़ी कमाल की दास्तान है, अगर आप लोगों ने नहीं सुनी तो ज़रूर सुनिए। तो वो किस्सा सुना रहे थे हमें, जब मैं यहाँ आ रहा था तो हमने उनको फ़ोन किया और हमने उनसे कहा कि साहब हम जा रहे हैं शहीद अशफाकुल्ला खां की मज़ार पे। उन्होंने कई नायाब किस्से सुनाए कि एक तो बहुत बलशाली थे और जब वो काकोरी ट्रेन डकैती में वो बक्सा जो उन्होंने लूटा वो खुल नहीं रहा था, तो राम प्रसाद बिस्मिल ने अशफाकुल्ला खां साहब को बुलाया और इनकी ड्यूटी थी पहरेदारी की, क्योंकि इनके पास माउजर थी, इनके पिताजी पुलिस में थे हैं जी। तो उन्होंने अपनी माउजर पकड़ाई मन्मथ नाथ गुप्ता को, ये एक और क्रांतिकारी थे और आए और बक्सा तोड़ा। अच्छा, मन्मथ नाथ गुप्ता के हाथ में माउजर आई तो वो थोड़े एक्साइटेड हो गए, उन्होंने एक फायर झोंक दिया कि बाकी गोली भी चल रही, उससे एक आदमी मर गया। तो बाद में ये जो एक पॉलिटिकल डकैती का केस था उसमें हत्या की धाराएं भी लगी और जेल के भी बड़े किस्से हैं कि एकदम सूफी से हो गए थे, गज़लें भी लिखते थे और जब वो इन लोगों की वहाँ पे लखनऊ में मुकदमा चला रिंग थिएटर में, जिसको अब गोल्ड डाकखाना GPO कहते हैं, तो वहाँ के तमाम किस्से हैं। तो आपको कभी मौका लगे तो वो काकोरी की दास्तान ज़रूर सुनिएगा। तो ये आप बता रहे हैं ये हालिया डेवलपमेंट है, ये पार्क ये ऐसा था, ये हालिया यहाँ अभी तक कुछ नहीं था, ये हकीकत इधर चलते हुए बात है, ये हकीकत बात है, यहाँ से हमारे जो मस्जिद जो है
शहीदों का काम किया तो सिर्फ उसी उन्हीं ने किया। अच्छा, इससे पहले किसी ने नहीं किया। वो काफ़ी लगन के साथ करते हैं, उन्होंने मज़ार का काफ़ी कराया, लगभग 65 लाख का यहाँ मंजूर कराया। ये कराया पहले खाली एक शादी से मज़ार थी यहाँ, और कुछ नहीं था। ये बिल्डिंग वगैरह ये सब उन्हीं ने बनवाई, ये उन्हीं के उससे बनी है, कमरा फुब्बारा ये सब आगे के हिस्से में उन्हीं ने हमसे परमिशन दे के करवाया। लोग हैं रोटी पी के यहीं फेंक गए, कोई इज्जत नहीं, कोई हम हिंदुस्तानियों को कभी शऊर नहीं आएगा। ये पीछे का इलाका क्या है? ये भी हमारा खानदानी कब्रिस्तान है, ये आगे मैदान था, तो ये हमारे जितने भी खानदान का कब्रिस्तान है उनकी कब्रें हैं ये पूरी। अच्छा, तो ये कब्रिस्तान की बाउंड्री हो गई? जी जी, बाउंड्री हो गई पूरी। शहीद की मज़ार है उसके, हाँ जी जी, ये सब बना जी। ये बरसात में घास आता है, साफ करा के देते हैं। यहाँ रखरखाव के लिए कोई आदमी नहीं है, रखरखाव के लिए भी कोई आदमी नहीं है, कह रखा है नगर निगम के लिए, अभी मिला नहीं है कोई आदमी। फिलहाल हम ही लोग सफाई वफाई करा देते हैं आदमियों से जो आए बस। अच्छा, बाकी यहाँ कोई आते नहीं। आपका क्या नाम है भैया, क्या करते हो आप भाई साहब? जी मैं जी, आप जी लेबरी करता हूँ, होटल पे काम करते थे। अच्छा, आपका होटल पे हम यहाँ के सफाई करते हैं, आके यही करते हैं सफाई, कोई आता है तो सब सफाई वफाई यही देखते हैं, ये करते करवा। और प्रोफेसर साहब कैसे याद रखता है जिला शहीद को? एक तो अमन चैन रहता है जी, अमन चैन तो शाहजहांपुर की अपनी एक पहचान है यहाँ, तो अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल की दोस्ती जो है बड़ा मशहूर है, पठान और पंडित की दोस्ती। हाँ, इस नाम से एक थिएटर भी है। अब वो एकदम आर्य समाजी थे, कट्टर आर्य समाजी, उनके तमाम मोहल्ले के और लोग कहा करते थे कि अरे एक पठान से और अशुद्ध होते हैं, मलेच्छ समझा जाता था मुसलमानों को वैसे ही, तो और आर्य समाजी की दोस्ती, तो उन्होंने कहा कि जितना आर्य समाजी शुद्ध हो सकता है उससे ज़्यादा शुद्ध अशफाक हैं, अगर आप बर्दाश्त कर रहे हैं उनको मेरे साथ एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है, वरना जो है आप मुझे भी बहिष्कृत करिए। ये जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक की दोस्ती थी, और उसी की बदौलत समझ लीजिए यहाँ अभी भी शांति पूरी तरह से बहाल है, और कोई ऐसे पूरा अमन बिगड़ जाए पूरी हिंदुस्तान में, लेकिन शाहजहांपुर में मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कभी कोई मौका आया हो कि शाहजहांपुर में। और जीएफ अच्छा। कॉलेज तो एक माइनॉरिटी कॉलेज है, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, लेकिन 70% जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स वो गैर मुस्लिम हैं और टीचर्स अमूमन मुस्लिम हैं। तो ये बताइए प्रोफेसर साहब, नाम आपने बताया अपना, तनवीर। मैं हाँ तनवीर हुसैन। तनवीर, कि शाहजहांपुर का क्या इतिहास है, कैसे बसा, क्या हुआ? क्योंकि आज हम दिन भर घूमेंगे तो पॉलिटिकल और दूसरे मसलों पे बात होगी, लेकिन मुझे लगा लगे हाथों आज आप मिल गए तो हिस्ट्री भी जान लें। एक्चुअल में शाहजहांपुर एक आर्मी सिटी के तौर पे सेटल्ड हुआ है, ये शाहजहां के ज़माने में ये कटेहर कहलाता था, ये रीजन जो था कटेहर कहलाता था, कटेहरिया राजपूत, कटेहरिया राजपूत यहीं से ताल्लुक रखते हैं। अमूमन ये जो रीजन है इसको एंशियंट पीरियड में पांचाल के नाम से जानते थे, जिसमें आज अगर मॉडर्न टाइम में तो 8-10 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं शाहजहांपुर से, तो कटेहरिया राजपूत बहुत परेशान करते थे मुगलों को। अच्छा, हाँ बगावत होती रहती थी, विद्रोह होते थे, जंगलात थे, वो भाग गए इधर उधर, अपना रिवॉल्ट करा, विद्रोह किया उन्होंने और वो इधर उधर चले गए। फिर जो है अफगानी पठानों को यहाँ पर सेटल्ड किया गया, जिसमें दिलेर खां और बहादुर खां दो भाई थे, उनको बुलाया गया और 52 जई उनके साथ में आई, जई मतलब कबीले, जो है 52 कबीले थे जो आए यहाँ पर। इनके तमाम जो है नाम आज भी आपको शाहजहांपुर में मिल जाएंगे, जैसे अहमद जई है, जलाल नगर अच्छा, है, जैसे हम लोग मलाला यूसुफ जई, हाँ यूसुफ जई, जैसे ये जई मतलब कबीला से होता है, खलील गरबी, खलील शर्की, दिलाजाक,
ये सब वही के नाम है। अफरीदी कबीला भी है, मतलब अफरीदी मोहल्ला भी है। हाँ, अफरीदी मोहल्ला भी है यहाँ पर शाहजहांपुर में। तो शाहजहांपुर एक तरह से पठानों का शहर था, हाँ, डोमिनेंट था यहाँ पर। इसीलिए खास तौर से बसाया गया कि कठेरिया राजपूतों से मुकाबला किया जा सके, रूरल एरिया में, हाँ, उनको सप्रेस किया जा सके एक तरह से। तो ये आर्मी सिटी के तौर पे डेवलप हुआ। बाकी आबादी तमाम जो है, जैसे होता है कि इकट्ठी होती रहेगी जरूरतों की चीजों के लिए, तो तमाम आबादी सेंट्रलाइज हो गई यहाँ। आप लोग शाहजहांपुर से ही हैं सब लोग? क्या नाम है आपका? यश, क्या करते हैं यश आप? बारहवीं में पढ़ रहे हो? केवी में, केंद्रीय विद्यालय जी। और आपका क्या नाम है? आमिल। इधर आ जाओ, अगल बगल आ जाओ, नहीं तो वो घूमते ही रहेंगे गोल। इधर आ जाओ यश। हाँ, आप क्या करते हैं? छात्र हैं, ग्रेजुएशन हुआ इस बार है। आप क्या करते हो भैया? स्टडी करते हैं। अरे क्या स्टडी कर रहे हैं? बीएससी कर रहे हैं। थोड़ा ऐसा बताओ कि तो दिलचस्पी पैदा हो। बीएससी कर रहे हैं सर, जेएफ कॉलेज से। आगे क्या इरादा है, क्या करोगे आगे? तो सर पहले यही कम्प्लीट करे सर, आगे देखो। और आप क्या करते हैं भाई सर? सर मेरा कारखाना है शॉल का जी, शॉल का, कश्मीरी शॉल। कश्मीरी शॉल शाहजहांपुर में बनता है जी। ये क्या मसला है? ये मतलब वहाँ कश्मीर से जो दिल्ली से लोग ले जाते हैं, दिल्ली से कश्मीर ले जाते हैं, हम लोग दिल्ली को देते हैं, कुछ लोग यहाँ भी आते हैं। आप हमसे ये कह रहे हो कि कश्मीरी शॉल कश्मीर में नहीं शाहजहांपुर में बनता है? शाहजहांपुर में भी बनता है, बरेली में भी बनता है, तमाम जगहों पर बनता है। वो जो पश्मीना वाला होता है जी, पश्मीना जी, वो कम से कम 70-80 हज़ार रुपये की रेंज का होता है। आपका कारखाना चल रहा है जी? कारखाना मेरा चल रहा है। आप दिखाओगे हमको? हाँ, हम दिखा सकते हैं। कितनी दूर है यहाँ से? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। कितने लोग काम करते हैं कारखाने? कम से कम 12-13 लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से चल सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, ये बताइए आमिल और यश, क्या आपके और प्रोफेसर साहब क्या शाहजहांपुर में और क्या मशहूर है? जैसे मैं आज यहाँ हूँ तो मुझे और कहाँ जाना चाहिए? मज़ार आ गया मैं, हनुमत धाम सबसे बेहतर। हनुमत धाम हिंदुस्तान का तकरीबन सबसे ऊंचा जो हनुमान जी की मूर्ति है वो शाहजहांपुर में है। 14 के अनुसार से विश्व की प्रथम सबसे ऊंची प्रतिमा थी हनुमान जी की, अब वो 5वें स्थान पर है। 4 और मूर्ति भारत देश के अलग अलग कोनों में बन चुकी हैं। हनुमत धाम जी, कितनी ऊंची मूर्ति है? 104 फीट की है। 104 फीट की मूर्ति है, 21 फीट का प्लेटफॉर्म है, 104 की मूर्ति है। तो 125 हो गया लगभग। और कहाँ जाना चाहिए? मिशन स्कूल, मिशन से ये लोग पढ़े थे, आज भी वैसे ही बना हुआ बिल्कुल। अशफाकुल्लाह खान साहब मिशन स्कूल से पढ़े थे? हाँ, वहाँ पुराना कॉन्वेंट स्कूल जी जी, वो है क्रिश्चियंस का, वो वैसे ही है बिल्कुल, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, जैसा था वैसे ही आज है उसमें। और किस चीज के लिए मशहूर है शाहजहांपुर? शाहजहांपुर में एक कालीन के लिए, पुराने समय में कालीन का एक लंबा कालीन काम के लिए मशहूर था, लेकिन अब जान रहे हैं कि सरकार कोई प्रोत्साहन तो दे नहीं रही, जितने भी कुटीर उद्योग हैं कालीन को नहीं लिया गया है। नहीं, कालीन में बहुत है, कालीन ना मांगो ओडीओपी में। भदोही में भी कालीन है, उधर खैराबाद सीतापुर में भी बुनाई है, 4-5 जगह ऑलरेडी है। तो एक तरह से और क्या है ओडीओपी में, खत्म ही हो चुका है समझ लीजिए शाहजहांपुर से जी। जरी जरदोजी का काम है, म्यूजियम बन रहा है, बहुत अच्छा। और खाने पीने की जगह कौन सी मशहूर है, कोई बढ़िया खाने की जगह? आलू, यहाँ पे आलू की जो है ज्यादातर चीजें मिलती है, तले हुए आलू, कई तरीके के बरूले हो गए। बरूले जी जी, ये बरूले क्या होता है भैया? उसके ऊपर दाल लपेट के जो है लाल करके उसको आलू। कहाँ मिलते हैं सबसे बढ़िया? ये इनका जानकारी है, मुझे जानकारी। ये पानी की टंकी के पास जलाल नगर में भी मिलते हैं, और आलू तले हुए आलू मिशन के पास जहाँ स्कूल तले हुए तो नहीं खाएंगे हम, पहले आपको अगर दही बड़ा खाना है बढ़िया तो बालाजी का मिलेगा दही बड़ा, आर्या की रसमलाई आपको बढ़िया मिलेगी, राम स्वीट के बाहर के समोसे बढ़िया मिलेंगे। और जी जी ठीक है, और अगर आपको ढाबा स्टाइल खाना खाना है तो यहाँ से 15 किलोमीटर दूर शेरा मऊ ढाबा है, वहाँ पे बहुत बढ़िया खाना मिलेगा देसी स्टाइल का। कर लिया पता आपने मेरे बारे में, सब जानकारी हासिल कर लिया आपने। तरन का है वो, कौन है क्या ना? इसकी जो है वो तरन, तरन है कि नहीं? नहीं, गलत जानकारी हासिल, हम लोग फिर बात करेंगे इसके बारे में, है ना? हाँ भाई जी, ये है वैसे यहाँ को शहीदों की नगरी। तुम यार ये बताओ वो आलू में जो दाल लिपटी थी वो क्या है? बरूले, बरूले नाम दे दी। यहाँ पे शाहजहांपुर में आलू की जैसे होता नहीं है, तमाम तरीके की आलू की खेती बहुत है, आगरा से लेके यहाँ तक पट्टी है, फरुखाबाद में तो आलू जैसे है। टिक्की है, समोसे में आलू है, और तमाम फिंगर आलू है, ये सब तो पता है। बरूले, बरूले
आपको शाम में खिलाया भी जाएगा बरूले, शाम में खिलाया जाएगा, मतलब लंच ना किया जाए हाँ, या लंच में दही बड़े खा लिए जाए। हाँ दही बड़े खाते हैं, मलाई देखा जाता है, बालाट के सामने 40 रुपए। हाँ रेट कार्ड भी बता दिया, बढ़िया जी। आपसे कई दिनों से मतलब मुलाकात करना चाह रहे थे, हिमांशु भैया से एक बार जुगाड़ बैठा ली पर बात बनी। ओहो चलिए जुगाड़ पूरी हो गई, आज मुलाकात हो गई, हम आप ही के शहर में आ गए। तो आपने देखी शहीद अशफाक उल्ला खां की मज़ार, में इन्होंने हिमांशु का जिक्र किया, हमारे दोस्त हैं, मैं उन्हीं की, उन्होंने दो शेर भेजे हैं मुझे, एक अशफाक उल्ला खां का कहा हुआ और एक राम प्रसाद बिस्मिल का कहा हुआ, और ये दोनों शेर हिमांशु जो दास्तान करते हैं काकोरी के ऊपर, जो किस्सा गोई करते हैं उसमें भी हैं, और वो तो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। तो मसला ये है कि लाला जगत नारायण मुल्ला अंग्रेज़ों की तरफ से वकील थे, और उससे पहले कभी वो लिबरल रहे होंगे, लेकिन अब तो वो अंग्रेज़ों के सरपरस्त थे, और काकोरी कांड में वो इन लोगों को, क्रांतिकारियों को सख्त सज़ा देने की मांग कर रहे थे। तो तब वहाँ पे अशफाक ने शेर कहा था, रिंग थिएटर वो जगह थी जहाँ मुकदमा हो रहा था, जहाँ आज का GOP है, चलो चलो यारों रिंग थिएटर दिखाएं तुमको वहाँ पे लिबरल, जो चंद टुकड़ों पे सीमो जर के नया तमाशा दिखा रहे हैं। तो ये तो एक वाक्या है अशफाक साहब का, और बिस्मिल भी शेर कहा करते थे हमें पता ही है। तो एक दफ़ा जब ये जो मुल्ला थे जगत नारायण मुल्ला, और वो जब तकरीर कर रहे थे, अपनी बहस कर रहे थे, तो उन्होंने मुलजिम की जगह मुलाजिम शब्द का इस्तेमाल कर दिया, तो इस पर बिस्मिल भड़क गए और उन्होंने मौके पे ये एक शेर पढ़ा, ये हमें हिमांशु ने भेजा है। मुलाजिम हमको मत कहिए बहुत तकलीफ़ होती है, मुलाजिम नुकता नहीं हाँ है, मुलाजिम हमको मत कहिए बहुत तकलीफ़ होती है, अदालत के अदब से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं हम। तो ये ऐसे हमारे क्रांतिकारी थे, और अशफाक साहब का तो बड़ा मशहूर एक वाक्या है, जो अगेन हिमांशु ने बताया कि उनको बस एक ही अफसोस रहा मरने से पहले, फांसी से पहले उनके वकील मिलने आए, तो उन्होंने कहा कि माफ़ करिए मैं आपको बचा नहीं पाया, तो उन्होंने कहा हम लोगों को पहले ही पता था, हम लोग जिस रास्ते पर जा रहे थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के रास्ते पर, क्रांति के रास्ते पर, कि ये कहाँ पहुँचेगा, लेकिन बस एक अफसोस है कि जेल में आके लोग कहते हैं कि साहब दुबले हो जाते, हमने तो खूब वजन बढ़ाया, खूब अपनी कसरत की, खुश रहे जेल में, कोई परवाह नहीं थी, भरोसा था कि देश आज़ाद होगा और हमारी कुर्बानियां बेकार नहीं जाएंगी, लेकिन जब हमारा पिछली दफ़ा वज़न हुआ तो जेलर ने कहा कि अब बस एक ही आदमी है जो तुमसे ज़्यादा वज़न वाला है, और हमने उनसे कहा कि कोई बात नहीं, अगली दफ़ा जब वज़न कराने आएंगे तो ये रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे, लेकिन अब फांसी की सज़ा का ऐलान हो गया है तो हमें काल कोठरी में डाला जाएगा और वहाँ पर वज़न लिया नहीं जाता, तो ये एक रिकॉर्ड छूट गया है, बाकी तो सब ठीक है। तो हम लोग फ़िलहाल चलते हैं यहाँ से, आपका जब भी शाहजहाँपुर का दौरा हो तो इस मज़ार पे ज़रूर आएँ, और एक कृतज्ञ हिंदुस्तानी की तरह, वो जो सारे शहीद हैं हमारे देश के, उनके मकसद को और उनकी कुर्बानियों को याद रखें। शुक्रिया।